केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि मौजूदा लहर में 5-10% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल सकती हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसेस पर नजर रखने की जरूरत है। डेटा के मुताबिक दूसरी लहर में हॉस्पिटलाइजेशन की दर 20-30% थी। जहां तक तीसरी लहर की बात है तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। 10 दिन पहले रोजाना 10-15 हजार केस दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना 1 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं। सोमवार सुबह तो रोजाना के केसेस का आंकड़ा 1.79 लाख दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी केसेस में तेजी की वजह ओमिक्रॉन है, जिसे वेरियंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। इसके अलावा डेल्टा के मामलों में भी तेजी बनी हुई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी डेल्टा का ही असर है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर केंद्र ने राज्यों से कहा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रोजाना नजर रखी जाए। कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की तर्ज पर विकसित करने की भी तैयारी रखें। जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग और MBBS स्टूडेंट्स को भी तैयार रखें, ताकि पर्याप्त हेल्थ केयर स्टाफ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।